ये क्या भाई, एकदम सफेद, और ये क्या है, जानवर का सींग, लॉन्ग लॉ अल्टीट्यूड। भाई बाइक गिरने वाला था भाई, साइड में बर्फ देखो हमसे दुगनी है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सरचू। अगर आपको नहीं पता है कि हम सरचू कैसे पहुंचे तो आप मेरा पहला ब्लॉग देख सकते हैं। और रात को भाई ठंड ज़्यादा थी तो थोड़ी नींद टूटती रही, तो इसलिए मैं अभी 9 बजे तक सोता हूँ। 9:11 हो गए हैं, तो अभी जल्दी से उठते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं और निकलते हैं अपनी नेक्स्ट मंजिल ले के लिए। पर उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बाहर के नज़ारे, चलो। रात को इधरी रही तो ब्रेकफास्ट में बना रहा हूँ मैं रेडीमेड पोहा, इसमें सिर्फ गर्म पानी डालना है और रेडी है। बाकी साथ में बनाऊंगा कॉफी, फिल्टर कॉफी है, मिल्क है और शुगर है। एक कप पानी डालना, जब तक ये पानी गर्म होता है मैं फिल्टर कॉफी डाल लेता हूँ। इसमें पानी हो गया है गर्म, इसको डाल देता हूँ पोहा में। अपना हो गया, इसको डाल लेता हूँ मग में। अभी रख देते हैं कॉफी। ऑल सेट, तो करते हैं प्रभु का नाम लेके राइड शुरू। वाहेगुरु। भाई मिट्टी ये ऊपर ऊपर से पत्थर वाली सख्त लगती है, पर है अंदर से बिल्कुल नरम। अभी देखो, शाम को शायद मैंने ऊपर आने का वीडियो नहीं बनाया था, और अभी देख लो ये बहुत कांटे होते हैं इसमें। तो फाइनली मेन रोड आ गया है जो ले को जाएगा। तो और भाई निकलते निकलते सामान समेटते, अभी टाइम हो गया है 11:40। तो भाई
जहाँ कैंपिंग करना टफ है, टफ इसलिए नहीं कि यहाँ कोई मैं अकेला था, जहाँ जानवर थे, जहाँ किसी और आदमी से यहाँ कोई प्रॉब्लम है। यहाँ के जो लोकल पीपल हैं बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही जेंटल और पोलाइट पीपल हैं यहाँ के। बट यहाँ टफ कैंपिंग बनाती है यहाँ की टेरेंस, यहाँ का क्लाइमेट। और भाई रात को मैंने ऑब्जर्व किया कि एक तो अकेला था, वो भी एक फैक्टर था, और मेरी थोड़ी सी सेहत भी ख़राब होगी उसी वजह से। थोड़ा मैंने मेरे फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया था कि AMS की टेबलेट खा लेना मनाली से पहले जब चलोगे, मैंने खाई नहीं। और खाना खाने के बाद ही इतना सिर दर्द, 3 बार वोमिटिंग हुआ मेरे को। और दिन रात निकल गई और दिन निकल गया, दिन इधर निकल जाता है 4:30 बजे दिन हो जाता है। तो जैसे दिन हुआ तो ठंडक भी कम होना शुरू हो जाती है, जैसे सूरज निकलना शुरू हो जाता ना, तो फिर मेरे को नींद आ गई, इसलिए मैं आज 9 बजे उठा। रास्ता खराब है। GoPro का ऐसा है कि अगर ज़्यादा ठंडी है ना तब भी नखरे करेगा, ज़्यादा गर्मी है तब भी नखरे करेगा, फिर मन मर्जी करता है। अच्छी क्वालिटी देता है तो इसके नखरे उठाने पड़ते हैं। जैसे बीबी खूबसूरत हो ना, फिर उसके वही नखरे तो झेलने पड़ेंगे, वही हिसाब इसका है। और आगे जैसे वो आदमी के स्कल होते हैं, वो 3 देखना, वो आँखें भी बनी हुई हैं, और ऐसे आगे मुँह, जैसे आदमी का स्कल होता है ना, वो तीनों देखो लग रहे हैं ना वैसे, पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं। पैंग रह गया यहाँ से 7 किलोमीटर, बाकी जल्दी कोई नहीं है भाई। तो पैंग हम पहुँच चुके हैं, जो कि 15,280 की हाइट के ऊपर है, और बिल्कुल छोटा सा रहता है, 3-4 घर रहते हैं। इधर आपको होम स्टे मिल जाएगा, बाकी होटल मिल जाएगा रहने के लिए, और खाने का फूड वगैरह मिल जाएगा, और तकरीबन जो जो चीज़ें राइडर को चाहिए, पेट्रोल, ओपन पेट्रोल पंप भी यहाँ मिल जाएगा। जैसे अगर आपको पेट्रोल नहीं कैरी करें मेरी तरह, तो आप इधर से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी जो नेक्स्ट अभी मंजिल है वो है देवरिंग। देवरिंग यहाँ से पैंग से है 45 किलोमीटर, और पैंग और देवरिंग के बीच ही हमें देखने को मिलेंगे मोरी प्लेन्स, जो कि थोड़ा एक्सप्लोर करने का चीज़ है। तो वहाँ रुकेंगे भी, वीडियो शूट करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे। तो चलते हैं धीरे धीरे रास्तों का मज़ा लेते हुए। वो देखो सामने जहाँ मैं आपको मुखौटे दिखा रहा था, वो ऊंचे ऊंचे, वहीं से मैं निकल के आया हूँ। और इधर उधर उधर होते 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 ये पैंग जहाँ होम स्टे वगैरह है, वहीं से निकल, और कितनी दूर ऐसे 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 घूम रहा हूँ, ऐसे 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 नीचे नीचे, और उधर चढ़ के फिर इधर आ गया। और अगर एयर डिस्टेंस अगर देखा जाए तो कुछ भी कवर नहीं किया, और ऑन रोड देखा जाए तो कम से कम एयर डिस्टेंस से 15 गुना होगा। यही खासियत है पहाड़ी रास्तों की। टाइम हो गया 3:40, डिस्टेंस आज मैं कुछ भी कवर नहीं कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैंने हिमाचल में आके इधर ऑब्जर्व की कि जो ट्रक वाले हैं ना, बहुत ही अच्छी तरह से बिहेव करते हैं भाई, और हम भी इनको पीछे से पी 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 नहीं करते। पता है अभी आगे रोड है ही नहीं है, जगह है नहीं, तो वो साइड कहाँ से देगा। अभी जैसे है ना तो वो जगह दे देगा मेरे को, और मैं भी इसको सूट करके जाऊँगा या हार्न मारेगा। देखो देखा ये चीज़ भाई मैं मिस किया निकल गया, ये चीज़ मैंने मिस किया भाई। बाकी और जगहों में श्रीनगर चले जाओ, वहाँ नहीं, वहाँ तो भाई जहाँ पंजाब कहीं भी लो, वो तो ट्रक वाले तो साइड देंगे नहीं, और उल्टा ट्रक के पीछे पता क्या लिखा होगा, हिम्मत है तो आगे निकल जा, नहीं तो बर्दाश्त कर। कई ट्रकों में पड़ा मैंने। तो भाई ये सलूट है वो सारे हिमाचल के ड्राइवरों को, बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। आपने लाइव एग्जांपल देख लिया। क्या हो गया? अच्छा, ठीक। राइडर्स का एक असूल है कि अगर कोई भी राइडर है, अगर रोड के ऊपर वो खड़ा है तो भाई उसको पूछ के निकलना, अगर उसको प्रॉब्लम है तो अगर आप सॉल्व कर सकते हो, आपके पास कुछ है इक्विपमेंट तो उसकी हेल्प करो पूरी।
कभी आपको जरूरत पड़ सकती है, और राइडर कम्युनिटी इसी के लिए जानी जाती है। फिर यही तो नहीं है मोरी प्लेन्स, और इससे ज़्यादा प्लेन्स कहाँ मिलेंगे? पर इधर कहीं बोर्ड नहीं लगा है, और गूगल बाबा काम नहीं कर रहा इधर भाई बिल्कुल। फील द वाइब्स, अगर आप वीडियो देख रहे हो ना बस फील करो इसको। मैं चुप रहूँगा थोड़ी देर। क्या है भाई एकदम सफेद देख रहे हो, एकदम सफेद रेत है क्या? है तो प्लेन ही, चल के देखें। अलग ही किस्म का सीन है, और देखो मेरे को जहां तक लग रहा है वाइट रेत है, रेत पतली बारीक रेत होती है ना जैसे जैसलमेर में, पर ये ज्यादा वाइट है, जैसलमेर में जैलो वाली होती है, ये बिल्कुल वाइट वाइट लग रही है। इधर से वही रास्ता है थोड़ा सा, शायद ट्रैक्टर जाते होंगे तो ट्राई करता हूँ मैं। बिल्कुल उधर नहीं लेके जाऊंगा कहीं बाइक ना फंस जाए, सोलो का पंगा रहता है भाई, ये दो दोस्त होंगे तो धक्का लगा देंगे। चलो देख के आते हैं क्या सीन है आपके। वो पहाड़ ऐसे लग रहा है जैसे डरा रहा हो, है ना, खतरनाक सा लग रहा है। अरे साल ये क्या है, ये तो मिट्टी है भाई सख्त, और ये क्या है जानवर का सींग, सख्त मिट्टी है भाई, और दूर से लग रहा था वाइट रेत है। जैसलमेर में क्या, जैसलमेर आ गया इधर क्या, तो ये होता है भी नज़र का धोखा। चल कोई नहीं, देख के पता तो लग गया, चलते हैं। सो यू आर वेलकम एट टेपरिंग, टेपरिंग में भी आपको होम स्टे मिल जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाएगी, होटल भी मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। ऐसे एक और एक वो कर रहा है, एक वो आगे है, ठीक है। तो आप इधर रुकना चाहो, लेट हो जाओ तो इधर रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 250 रुपया पर हेड लगेगा, फूड आपको बना बनाए जो आप बोलोगे बना के दे देंगे। तो यही है डेबरिंग। तो मैं पहुंच चुका हूँ तंग लांगला एल्टीट्यूड, भाई गिरने वाला था भाई। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ तंग लांगला पास, जो कि एल्टीट्यूड है इसका 17,582 फीट फ्रॉम सी लेवल, और नीचे लिखा है यू आर पासिंग थ्रू सेकंड हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड। साइड में बर्फ देखो, हमसे दुगनी है हमारी हेड से, धीरे धीरे अभी पिघल रही है, इसलिए यहाँ पर चीकड़ और रोड भी टूटा हुआ है, और मिट्टी है जो स्लिप कर रही है। तो उपशी रह गया है यहाँ से 10 किलोमीटर, और ले है उपशी से 75 किलोमीटर के करीब। तो मेरा इरादा नहीं है ले जाने का, क्योंकि 6 बज गए हैं, तो कल भी थोड़ा नींद नहीं ढंग से। तो उपशी में होम स्टे का एक्सपीरियंस लेंगे, मैं आज तक कभी होम स्टे में रुका नहीं हूँ, और आपको भी दिखाऊंगा कि होम स्टे कैसा रहता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, नया होगा अपने लिए। तो आज होम स्टे करेंगे उपशी में। तो उपशी से पहले ही ये जगह है, और बाइकर्स तकरीबन देखो ना अपने अपने स्टिकर लगा के गए हैं, मैं सोचा मैं भी लगाऊंगा पर जगह नहीं है। चलो कोई ना, हम कहीं और लगा देंगे। तो अपने को यार इधर ही मिल गया, उपशी से पहले है कोई 15 किलोमीटर, और उपशी में क्या कमर्शियल प्लेस है, वहाँ महंगी रहता है रेंट वगैरह, सारी चीज़ें महंगी होती हैं। तो ये उपशी से पहले ही थोड़ा 15 किलोमीटर, तो यहाँ सस्ते और अच्छे रूम्स मिल जाते हैं। अभी रूम देखो आप, पहले
और ये मैंने तो चार्जिंग लगा दिया क्योंकि यहाँ पर 11 बजे तक लाइट आती है, तो इक्विपमेंट चार्ज कर दिया। अब इसका व्यू देखो बाहर वाला, फाइव स्टार होटल में भी ऐसा व्यू नहीं मिलता बाहर। ठीक है, तो 500 रुपये का रूम है, बाकी खाना दाल रोटी जो घर में बनाते हैं ना ये वही आपको देंगे, स्पेशल नहीं है कोई। हाँ, कोई आप स्पेशल चाहते हो कि ऐसे अंडा भुर्जी या कुछ और, तो बना देंगे आपको डिमांड के ऊपर। और एक चीज़ और प्लस पॉइंट, जैसे रेस्टोरेंट में जाओ तो अपना बाइक से सामान आपको उतारना पड़ता है, तो उन्होंने बोला है कोई जरूरत नहीं कोई भी सामान उतारने की, वो भी अच्छा रहेगा, लगा लगाया रहेगा। बस अपना मेरे जूस वाला सामान जो होता है एक बैग निकाल लिया, बाकी सामान लगा हुआ है। ये देखो भाई, जहाँ मैं होम स्टे में रह रहा हूँ, ये दीदी ने बनाई है दाल जस्ट, और रोटी बन रही है गर्म गर्म रोज अपनी दाल रोटी। दीदी बटर देना, ये देखो भाई अमूल बटर रोटी चुपड़ के। हाँ दो बना दो। दाल माँ की नहीं मसूर की है, साबुत होती है ना, पर अच्छी लगती है। हाँ आप क्या बोलते हैं? हम मसूर बोलते हैं, हम बोलते हैं। अच्छा, नहीं हम भी मसूर बोलते हैं। मसूर बोलते हैं। मैं जम्मू का हूँ ना। अच्छा अच्छा, जम्मू कहाँ से? जम्मू का ही। हम जम्मू में बहुत 4 साल बिता है, लड़की है ना वहाँ मेडिकल कॉलेज जम्मू में की है ना। अच्छा भाई, खाना बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल घर जैसा फील हुआ। और अभी हो गया है टाइम 10 बज गए लगभग, और मैंने डाटा बैकअप तकरीबन ले लिया, और अभी सोते हैं क्योंकि कल रात भी इतनी अच्छी नींद नहीं आई। और मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।